बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम विजिट करेंगे ब्रांड न्यू 5 मरला हाउस का, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी एंड जो इसकी डायमेंशन हैं वो है 25x45। 25 घर का फ्रंट है, 45 इसकी लेंथ है। काफ़ी ज़बरदस्त घर बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अमेजिंग है एंड लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की है। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कांटेक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। एंड अब चलते हैं, इसका विजिट कंटिन्यू करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका गेट का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी सॉलिड गेट का डिज़ाइन रखा गया है। गेट की जो हाइट है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची हाइट है इसकी। इस तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास कार रैंप अवेलेबल है, कंप्लीट टफ टाइल का इस्तेमाल हुआ है। एंड इस तरफ हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज़ मीटर है एंड ग्रीन एरिया, एक्सटर्नल लॉन फुल रेडी है। गैस इस पूरी लोकेलिटी में अवेलेबल है, इस घर की डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई हुई है गैस की, तो वो भी इंशाल्लाह इंस्टॉल कर दी जाएगी। मूव करेंगे हम घर के अंदर, तो सबसे पहले वी हैव द कारपोर्च ऑफ दिस हाउस और काफ़ी डिसेंट और काफ़ी एलिगेंट किस्म का कारपोर्च है इसका। सबसे पहले हम देखते हैं सीलिंग की तरफ, तो वुडन सीलिंग है और काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग हुई भी है। सामने हमारे पास ये मेन एंट्रेंस है और ये हमारे पास ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। फ्लोरिंग की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट टाइल फ्लोरिंग है, स्कॉटिंग के साथ मैचिंग में रखी गई है और कारपोर्च इतनी कैपेसिटी है कि यहाँ पर आपकी कोई भी एक बड़ी गाड़ी या कोई भी एक छोटी गाड़ी इजिली एट अ टाइम पार्क हो सकती है। साइड गली की तरफ अगर हम आते हैं तो ये जो गली काफ़ी ज़्यादा साइज़ है इसका और यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक अवेलेबल है, वाटर पंप यानी कि पानी की मोटर भी फिक्स्ड है। यहाँ पे निश डिज़ाइन की गई है, फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो प्लांटेशन का टच रखा गया है, जो कि इस खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। बाकी अब हम चलते हैं मेन डोर्स की तरफ, तो पहले आप डोर देख लेंगे। ड्राइंग रूम का डोर है, हाइटेड है एंड ये हमारे पास मेन एंट्रेंस है, मेन डोर है। डबल स्टेप्स अवेलेबल है यहाँ पे भी और डबल स्टेप्स अवेलेबल है यहाँ पे भी। वुडन वर्क काफ़ी अच्छा हुआ है इस घर में। फर्दर मूव करेंगे घर के अंदर, तो हम आ चुके हैं घर के अंदर। सबसे पहले वी हैव द लिविंग एरिया, ये हमारे पास मेन लिविंग एरिया है यानी कि मेन टीवी लाउंज है। इस घर में जो प्लान है वो इस तरह से है कि ग्राउंड पोर्शन में भी टीवी लाउंज दिया गया है, अपर पोर्शन में भी टीवी लाउंज दिया गया है। तो सामने हमारे पास ये ड्राइंग रूम की एक्सेस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टीशनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। दिस इज द मेन एंट्रेंस, साथ पाउडर वॉशरूम अवेलेबल है एंड अभी हम मौजूद हैं टीवी लाउंज में। सामने वेंटिलेशन विंडो है, इसके साथ भी आप देख सकते हैं कि प्लांटेशन का टच दिया गया है। साथ हमारे पास एक बेडरूम अवेलेबल है, किचन भी है और अगर हम बात करेंगे फ्लोरिंग की तो हमारे पास कंप्लीट टाइल फ्लोरिंग है यहाँ पे, स्कॉटिंग साथ मैचिंग में रखी गई है एंड रेवियन कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है। डबल फैंसी लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास व्हाइट कलर का सीलिंग पेंट इस्तेमाल किया है सीलिंग पे। सीलिंग की हाइट भी काफ़ी अच्छी है और घर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, काफ़ी अच्छी इसकी डेकोरेशन भी हुई हुई है। तो हम बात करते हैं फ्लोर प्लान की, तो हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में मौजूद है एक टीवी लाउंज, बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, किचन, लॉन्ड्री एरिया, ड्राइंग रूम एंड पाउडर वॉशरूम। फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये हम आ चुके हैं इसके ड्राइंग रूम में। काफ़ी अच्छा साइज है ड्राइंग रूम का, काफ़ी स्पेशियस है। आपको गाइड करता चलूं कि कारपोर्च से ड्राइंग रूम की एक्सेस है और लाउंज से जो है वो लाउंज की एक्सेस यहाँ से आ रही है कारपोर्च के। हमारे पास यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी रेल के साथ और ये वॉल बिल्कुल सिंपल रखी गई है। सामने जो हमारे पास वॉल है इस पर एक तो ये निश भी डिज़ाइन की गई है और रिमेनिंग जितनी हमारे पास वॉल है सारा वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग की हाइट यहाँ भी काफ़ी अच्छी है एंड अगेन रेवन कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो है और ये हमारे पास जो ड्राइंग रूम है उसका गैस का पॉइंट एंड अगेन आप सब इसको रिव्यू कर सकते हैं। ड्राइंग रूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और जो हमारा टीवी लाउंज है उसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा रखा गया है। अब मैं आपको सेंट्रली इसका रिव्यू करवा देता हूँ। सामने हमारे पास ये एलईडी पॉइंट है और अगर आप इसको सेंट्रली देखते हैं तो ये इसका प्रॉपर एक व्यू बनता है और काफ़ी अच्छा घर है। 5 मरला का कमर्शियल पार्क से और मेन रोड से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे घर ही अवेलेबल है। 40 फीट की वाइड स्ट्रीट है और लोकेलिटी बहुत पीसफुल है, बहुत सिक्योर लोकेशन है। फर्दर मूव करेंगे तो आप ये पहले एलईडी पॉइंट्स देख सकते हैं, अच्छा वुडन वर्क हुआ है एंड दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। ये फर्स्ट बेडरूम है एंड एक मास्टर साइज बेडरूम है और इसमें भी आप देख लें कि बिल्कुल सिंप्लिसिटी को प्रेफर किया गया है। वॉल पे डिजाइनिंग है और इस बेडरूम में जो सीलिंग फैन है वो एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड हुआ है, प्लस सीलिंग की जो डिज़ाइनिंग है बहुत डिसेंट और बहुत अमेजिंग किस्म की है। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास कॉर्नर में विंडोज़ भी हैं और इसकी आप देख सकते हैं वार्डरोब भी अवेलेबल हैं एंड द गुड थिंग इसके जो वार्डरोब्स हैं वो फुली हाइटेड हैं और इसी के साथ साथ जो वार्डरोब्स हैं वो वॉल के अंदर फिक्स्ड हैं, मतलब आपको स्पेस ज़्यादा यहाँ पे मिल जाती है। और ये हमारे पास मेन एंट्रेंस है और इस तरफ हमारे पास वेंटिलेशन विंडो रखी गई है इस बेडरूम की। नेक्स्ट मूव करेंगे तो हेयर वी हैव द अटैच वॉशरूम जहाँ पे वाइट कलर की कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। पोर्टा का कमोड है वाइट कलर में, प्लस आप टाइलिंग देख लें, काफ़ी अमेजिंग टाइलिंग इसकी हुई हुई है। तो दोबारा से मूव बैक करेंगे हम लाउंज की तरफ। अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से टीवी लाउंज का अगेन रिव्यू करवा देता हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में मेंशन करता हूँ कि आप सबको हर एंगल से रिव्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस प्लान के बारे में, मैप के बारे में डिटेल्स आपको ठीक से समझ में आ जाएँ। एंड ये आ गया हमारे पास इसका किचन।
इस घर में एक ही किचन है और क्लोज किचन है। किचन का जो मेन थीम है वो वाइट कलर पे है और आप देख सकते हैं कि फुल जो कैबिनेट्स हैं, अपर कैबिनेट्स प्लस लोअर कैबिनेट्स फुली वाइट कलर में अवेलेबल हैं। ये वॉल जो फुली टाइल्ड है। और अप्लायंसेस की बात करते हैं तो आप अप्लायंसेस देख लें, राडो कंपनी के अप्लायंसेस हैं, नेस का इसका स्टोव है और यहाँ पे भी फुल एसेसरीज हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं। एंड टाइलिंग की बात करते हैं तो ये आप टाइलिंग देख लें। फर्दर जो उसकी लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री एक्सेस यहाँ से जा रही है। एक ये लॉन्ड्री का मेन डोर है, साथ दूसरा डोर भी लगाया गया है। वेंटिलेशन पर्पज के लिए विंडो एंड एग्जॉस्ट फैन। एंड चलते हैं लॉन्ड्री की तरफ। एंड हम आ चुके लॉन्ड्री में। फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी लॉन्ड्री में फुली टाइल फ्लोरिंग है, टाइलिंग कम्प्लीटली हुई हुई है। और एक गीजर का पॉइंट ऊपर रखा गया है, सामने आप देख सकते हैं टैप्स अवेलेबल हैं और दूसरा पॉइंट गीजर का ये भी रखा गया है। तो घर फुल ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, 5 मंजिला का हाउस है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। छोटी मोटी फिनिशिंग रहती है तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट करके घर आपके हैंड ओवर किया जाएगा। सो वी आर बैक इन टीवी लाउंज। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट मूव करेंगे एंड ये हमारे पास आ गया इसका पाउडर वॉशरूम। यहाँ पे भी पाउडर वॉशरूम में भी वाइट कलर की कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। साइज़ काफ़ी अच्छा रखा गया है पाउडर वॉशरूम का, प्लस स्टाइलिंग आप देख लें ऊपर तक अटैच्ड है। एंड अब आप सबको बताता चलूँ कि हमने इस 5 मंजिला के हाउस का जो ग्राउंड पोर्शन है उसका विजिट कम्प्लीट कर लिया। एक ये ड्राइंग रूम अवेलेबल है हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में और टीवी लाउंज अवेलेबल है यानी कि मेन लिविंग एरिया। सामने हमारे पास बेडरूम है अटैच वॉशरूम के साथ, साथ हमारे पास किचन भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ हम यहाँ से मूव करेंगे अपर पोर्शन की तरफ। यहाँ पे आप स्टेज पे डिज़ाइनिंग देख लें, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है वॉल पे, हाइटेड वॉल्स हैं एंड यहाँ से एक्सेस जा रही है अपर पोर्शन की तरफ। तो बेसिकली ये 5 मंजिला का ब्रांड न्यू हाउस है एंड ये 1+3 का यूनिट है। 1 बेडरूम हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में है एंड 2 बेडरूम हमारे पास अपर पोर्शन में अवेलेबल हैं, 1+2 का यूनिट है। हम आ चुके हैं अपर पोर्शन में एंड आपको मैं क्विक ओवरव्यू देता चलूँ कि इन स्टेज के थ्रू भी ऊपर आए हैं एंड यहाँ से एक्सेस जा रही है छत की तरफ। छत पे वी हैव सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। ये हमारा सेकेंड लिविंग एरिया है, सेकेंड टीवी लाउंज है और इसको भी सिंपल एंड डिसेंट रखा गया है। ये आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए विंडो है, नीचे आप निचले पोर्शन में देखा है कि आर्टिफिशियल ग्रास भी अवेलेबल है। एंड ये इसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग, एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है और एक बेडरूम हमारे पास यहाँ पे है और एक बेडरूम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम मौजूद हैं इसके सेकंड टीवी लाउंज में और लाइक ए सेट की 1+3 का यूनिट है और सीलिंग डिज़ाइनिंग आप देख चुके हैं सिंपल एंड डिसेंट एंड एसके कंपनी का सीलिंग फैन यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है। फर्दर मूव करेंगे और ये हमारे पास आ जाता है अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम और ये माशाल्लाह से काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है और एक प्रॉपर मास्टर साइज बेडरूम है। क्रॉस वेंटिलेशन का ऑप्शन है, एक यहाँ से भी वेंटिलेशन का ऑप्शन है और यहाँ पे भी वेंटिलेशन का ऑप्शन है। हेयर वी हैव द गैस पॉइंट और अगर आपने इसमें मज़ीद डेकोरेशन करनी है तो आप अपनी मर्जी के लिहाज से यहाँ पे किसी भी किस्म के वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डेकोरेशन में आप मज़ीद इजाफा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे निश डिज़ाइन हुई हुई है, डबल डिशेज हैं और अगेन आप सब अब प्रॉपरली इसको रिव्यू कर लें। सामने हमारे पास इसका आप देख सकते हैं ड्रेसिंग एरिया है, साथ अटैच वॉशरूम भी है और इसकी भी सीलिंग डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी डिसेंट है। एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा सीलिंग की जो हाइट है काफ़ी अच्छी हाइट रखी गई है, एक तो इससे आप कंजेशन फील नहीं होगी प्लस आपकी वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी होगी। फ्लोरिंग की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट टाइलिंग है, सेम वही पैटर्न है जो हमारे पास अभी लाउंज में था, स्कॉटिंग मैचिंग में है, गैस पॉइंट आप देख चुके हैं। फर्दर मूव करेंगे तो ये आके हमारे पास इसका ड्रेसिंग एरिया, काफ़ी ज़्यादा वार्डरोब्स हैं ये देख लें, फुली हाइटेड हैं। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये, टोटल 3 पेयर्स हैं हमारे पास वार्डरोब्स के, फुली हाइटेड वार्डरोब्स हैं। यहाँ पे भी टाइल फ्लोरिंग है एंड लेफ्ट पे अगर हम आएंगे तो हियर वी हैव द अटैच वॉशरूम। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ की टाइलिंग डिफरेंट है एंड यहाँ पूरा जो पैटर्न है फुली डिफरेंट है। तो हम आ चुके हैं इसके वॉशरूम में। ये सनी ग्रे मार्बल का स्लैब लगाया गया है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं शॉवर एरिया की और यहाँ पे भी हुई भी नहीं है बट आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ की टाइलिंग, वॉल्स की टाइलिंग डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ हैं, वेंटिलेशन विंडो है, एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड है और इस वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आप इसका डोर डिज़ाइन चेक कर लें, जो वॉशरूम का डोर है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन रखा गया इसका। ये जितनी भी टाइलिंग है वो यहाँ तक हुई हुई है, ये आप देख लें कि कुछ घरों में फुल ऊपर तक होती है बट यहाँ पर यहाँ तक इसकी टाइलिंग की गई है। तो अगेन आप इसको रिव्यू कर लें, फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे। तो अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से अगेन लाउंज का रिव्यू करवा रहा हूँ, आप इसको रिव्यू कर लें। और ये आप देख सकते हैं कि इन स्टेज के थ्रू अभी हम ऊपर आए हैं और यहाँ से एक्सेस जा रही है छत की तरफ। तो पहले हम कम्प्लीटली सेकेंड पोर्शन पूरा विजिट करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे छत की तरफ। सो हेयर वी हैव द थर्ड एंड लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस
ये भी एक अच्छे साइज के बेडरूम है और सिंपल वॉल पे पेंट इस्तेमाल किया गया है। एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल है। मैं अपनी हर वीडियो में कंपनी का बाकायदा नाम मेंशन करता हूँ कि किस कंपनी की फिटिंग इस्तेमाल हुई हुई है, तो यहाँ पे प्रॉपर एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल है। इसके अलावा व्यूअर्स एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो टेरेस है इस घर का वो इसी बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारे पास ड्रेसिंग एरिया है, साथ हमारे पास वॉशरूम है, इस तरफ वॉल पर डिजाइनिंग है, ये हमारे पास वेंटिलेशन विंडो है। ये आप देख लें कि जो ग्राउंड पोर्शन में आर्टिफिशियल ग्रास के एरिया आपने देखा है वहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन जा रही है। तो ये हमारे पास गैस पॉइंट आ गया इसका। फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे एंड ये आप देख लें इसकी वार्डरोब्स, ड्रेसिंग एरिया, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे भी वेंटिलेशन विंडो रखी गई है। सामने टेरेस है, आपको टेरेस का भी व्यू करवाता हूँ। एंड दिस इज द अटैच वॉशरूम, यहाँ की टाइलिंग भी डिफरेंट है एंड यहाँ की टाइलिंग भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। पैटर्न सेम वही अप्लाई हुआ है, आपने लास्ट वॉशरूम में देखा है कि सनी ग्रे मार्बल इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर डिफरेंट मार्बल इस्तेमाल हुआ है। प्लस ये टाइलिंग का जो कम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है, साथ एग्जॉस्ट फैन भी फिक्स किया गया है और ये व्हाइट कलर का कमोड भी है। शॉवर एरिया हमारे पास इस साइड पे आ रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे ग्लास की पार्टीशनिंग कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। सो लाइक आई सेड के जो टेरेस है वो इसी बेडरूम से कनेक्टेड है, तो मैं आप सबको अब टेरेस की तरफ ले चलता हूँ। एंड हियर वी हैव द टेरेस एरिया, स्टेप अवेलेबल है। इसकी टाइलिंग आप देखें काफ़ी अमेजिंग टाइलिंग है, कारपोर्ट में भी टाइलिंग इस्तेमाल हुई हुई है। बाकी जो लोकेलिटी का व्यू है, लोकेशन का व्यू मैं आपको छत से करवा दूंगा आपको, ताकि मजीद बेहतर तरीके से इसका आइडिया हो जाए। तो इसी के साथ साथ व्यूअर्स, मैं आप सबको बताता चलूं कि हमने इस 5 मल्ला के अमेजिंग हाउस के दोनों पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया। 3 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, किचन, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और इसमें डबल टीवी लाउंज है। फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे, मेरे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट आती है कि आप हमें ऐसे हाउसेज दिखाएं 5 मल्ला के जिसमें डबल टीवी लाउंज हो, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि ग्राउंड पोर्शन को हम एज अ टीवी लाउंज यूज़ करेंगे एंड अपर पोर्शन को हम एज अ डाइनिंग एरिया यूज़ करेंगे। तो हम आ चुके हैं छत पे, ये छत का डोर है, स्लाइडिंग डोर है, लेट मी शो यू। ये आप देख लें मेटालिक गेट है, ये छोटा सा पैसेज जा रहा है सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। इस घर में जो सर्वेंट क्वार्टर है वो घर के अंदर है, नॉर्मली कुछ घरों में सेपरेट छत पे होता है। तो चिप्स की फ्लोरिंग है, ये है इसका वॉशरूम और ये आ गया इसका सर्वेंट क्वार्टर। सामान रिमेनिंग है तो वो भी क्लियर किया जाएगा। एंड अब हम आ चुके हैं छत पे, यानी के रूफ टॉप पे। कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे चिप्स की फ्लोरिंग है, या पहले देख लें पानी की टंकी। तो डिफरेंस ये है कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि सेवन क्वार्टर बाहर होता है, बट इसमें घर के अंदर कवर किया गया है। ये स्लाइडिंग डोर लगाया गया है, मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, स्लाइडिंग डोर है ये। और इसको अगर आप क्लोज करते हैं तो आप इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको पेट एनिमल का शौक है, कोई अगर आपने पेट एनिमल रखा हुआ है तो आप उसको उस लिहाज से भी स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रंट ओपन हाउस है, घर के सामने कोई घर नहीं बनेगा। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रीट ओपन है, प्राइवेसी का मसला नहीं होगा आपको और वेंटिलेशन आपकी काफ़ी अच्छी होगी। ये मेन रोड है, मेन रोड से तीसरा घर बनता है ये। एंड ये जो स्ट्रीट देखें नेक्स्ट स्ट्रीट है, यहाँ से कमर्शियल पॉइंट भी करीब है, पार्क बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल है। तो ओवरऑल घर बहुत ज़बरदस्त है, लोकेशन के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिहाज से। तो इसी के साथ साथ हमने विजिट कंप्लीट कर लिया, अब हम मूव बैक करेंगे दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ और आपके साथ में तमाम तर तफसीलात एक मतलब फिर से शेयर कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 5 मल्ला अमेजिंग हाउस का विजिट कम्प्लीट कर लिया। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि ब्रांड न्यू हाउस है, 5 मल्ला का काफ़ी ज़बरदस्त घर बना हुआ है एंड ये घर सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। इसकी जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी एंड जो इसकी डायमेंशंस हैं वो है 25x45 का फ्रंट है, 45 की लेंथ है। काफ़ी अमेजिंग हाउस है ये एंड लोकेलिटी बहुत पीसफुल है, मेन रोड से बहुत तेजी एक्सेस पे घर ही अवेलेबल है, कमर्शियल और पार्क करके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके अकोमोडेशन की, तो 3 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, सिंगल किचन है, डबल टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम अवेलेबल है पाउडर वॉशरूम के साथ। एंड अगर हम छत पे आते हैं तो छत पे वी हैव सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। वो बस इस घर की जो रेंटेड वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 45,000 से 50,000 तक की है। एंड सबके अलावा जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो है 1 करोड़ 45 लाख, 1 करोड़ 45 लाख रुपये इसकी डिमांड की जा रही है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। आप किसी को भी घर पसंद आया है तो आपकी स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके इस घर के बारे में डील कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कहानी लाइक कर दें एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहें। सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।